नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी और बिहार के विधान परिषद चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यूपी की 12 और बिहार की 1 विधान परिषद सीट पर चुनाव होना है। 12 एमएलसी सीटों के लिए बीजेपी ने आज 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों की घोषणा शुक्रवार को कर दी थी। इन 6 नामों में कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, सलील विश्नोई, अश्वनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी हैं। वहीं बिहार के लिए बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को टिकट दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इन नामों का ऐलान किया है। यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को विधान परिषद चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया। जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक अधिसूचना 11 नवंबर को जारी की जाएगी। प्रत्याशी 11 से 18 जनवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 21 जनवरी को नाम वापसी होगी। मतदान 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे मतदान 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि यूपी में 30 जनवरी को विधान परिषद की 12 सीटें खाली हो रही हैं। विधान परिषद में जो 12 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के अहमद हसन, रमेश यादव, आशु मलिक, रामजतन राजभर, वीरेंद्र सिंह और साहब सिंह सैनी हैं। साथ ही बीजेपी के डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। बहुजन समाज पार्टी के धर्मवीर सिंह, अशोक प्रदीप कुमार जाटव और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इनमें नसीमुद्दीन कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनकी विधान परिषद की सदस्यता खत्म की जा चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।